राजधानी में जैन श्वेतांबर तेरा पंथ महिला मंडल की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें मुनि उदय कुमार ने बताया कि जैन श्वेतांबर तेरा पंथ महिला मंडल की ओर से 5 अप्रैल को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रैली का आयोजन किया जाएगा। इस रैली में करीब 2500 महिला पुरुष शामिल होंगे। ये रैली जयपुर ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक साथ और एक समय पर निकाली जाएगी। ऐसे में इस रैली को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज करवाया जाएगा। आपको बता दें कि देश भर में महिला मंडल की 425 शाखाओं में 60,000 से अधिक महिलाएं कार्य कर रही हैं। इसके अलावा तेरापंथ महिला मंडल राजधानी के गांधीनगर रेलवे स्टेशन सहित अन्य जगहों पर कन्या सुरक्षा सर्किल का निर्माण कर रहा है। महिला मंडल का एक पूरा राष्ट्रीय नेटवर्क है और उस राष्ट्रीय नेटवर्क के साथ जयपुर शहर एक बड़ा सशक्त संगठन है। इसके अनेक अनेक अभियान हैं, उसमें एक अभियान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक समय था कि जब महिलाएं चार दीवारी से बाहर नहीं निकल पाती थी, किंतु आज ये किस तरह के समाज उत्थान के और महिलाओं के विकास के लिए कितने कितने कार्यक्रम कर रही है। वास्तव में बेटी को बचाना, इसके साथ साथ आधी दुनिया को बचाना, तेरा पंथ महिला मंडल इस दृष्टि से समय समय पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करती है। उसमें यह 5 अप्रैल को एक रैली का आयोजन कर रही है। उसके पीछे उनका लक्ष्य एक ही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस अभियान को एक गति मिले और एक प्रगतिशील बने। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल एक सामाजिक और आध्यात्मिक वृद्धतर संगठन है। इसकी 425 शाखाएं और 60,000 महिलाएं हैं। इसकी चार मुख्य योजना में है, जिसमें एक योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अखिल भारतीय की एक सशक्त शाखा है जयपुर तेरापंथ महिला मंडल जयपुर शहर। जयपुर शहर तेरापंथ महिला मंडल जयपुर शहर से 5 अप्रैल को 5:30 बजे एक वृहद रैली 2,000-2,500 लोगों की वृहद रैली निकाली जाएगी, जिसमें सभी हाथ में गुब्बारे लेके बड़े जोश और उत्साह के साथ बेटी बचाओ पढ़ाओ का संदेश देंगे। यह संदेश पूरे जयपुर में ही नहीं बल्कि पूरे भारत भर में इसकी गूंज उठेगी और बेटी को बचाना बहुत जरूरी। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।